हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता अमृता ऑफिशियल। मैं हूँ अमृता। आज वीक टू का डे वन है और अभी मैं सुबह सुबह खा रही हूँ कुछ भीगे हुए आलमंड्स, वॉलनट, कुछ इसको हम बोलते हैं खारिक, तो भिगा के खारिक को मैं खा रही हूँ इनको पील करके। सो ये है मॉर्निंग का मेरा फर्स्ट मील। फिर हम गए थे स्विमिंग, हमारे जो बिल्डिंग के यहाँ पे स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे मैंने 45 मिनट स्विमिंग किया। सो काफ़ी एक हेवी एक्सरसाइज होता है। और बाद में ना कुछ गड़बड़ हो गई थी लैच के साथ, तो लैच खुल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से खुला था। फिर हमने उसमें ऑयल डाला और मैंने बेटी को बोला था तुम अंदर रहो ताकि अगर ये खुल ना पाए वापस से तो मैं कुछ कर लेती हूँ। सो ये खुल गया था। अब आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। फर्स्ट डे में मैंने ब्रेकफास्ट किया था थाली पीट। यह बहुत ही फीलिंग ऐसा ब्रेकफास्ट है और ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी से बनता है। लंच भी मैंने बहुत सिंपल किया था, इसमें मैंने लिया था दो रोटी फुलका मतलब, और थोड़ा सा कॉलीफ्लावर आलू वाला सब्जी लिया है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना लिया, और एक बनाना। शाम के 5-6 बजे मैंने लिया था इतना सा चाय, और उसके साथ ये जो रेड पम्पकिन होता है उसकी पूरी बनती है महाराष्ट्र में, तो ये मैंने लिया था एज अ स्नैक। ये बहुत यमी होता है, बहुत हेल्दी होता है, फ्राइड है बट हेल्दी है और टेस्टी तो बहुत है, तो एक दो आप खा सकते हो। तो ये मेरा इवनिंग स्नैक था। अब बोलोगे आपकी डिनर में क्या खाया, तो डिनर में मैंने होममेड खुद पिज़्ज़ा बनाया था एकदम डोमिनो स्टाइल का, बट बहुत ही कम चीज़ में। सो बहुत हेल्दी पिज़्ज़ा है। इसकी रेसिपी मैं अभी अगले जो वीडियो अपलोड करूँगी वो यही रेसिपी होगी। तो ये बहुत ही यमी बना था और बहुत ही हेल्दी था। रात को हमने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया था, तो ये हमारे कान्हा जी हैं और हमने इन्हें इस तरह से सजाया था, और ये हमारी जो छोटी सी घर में पूजा की हमने जन्माष्टमी की, उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा रही हूँ। सो आप सबको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, राधे राधे मेरे सारे फ्रेंड्स को। हाँ ठीक। ये है डे टू। डे टू को मैंने जिम नहीं किया था, मैं बेटी के साथ बैडमिंटन ही खेला था, और आयशा के जो फ्रेंड है एक बेचारा, उसको मैंने कैमरा पकड़ा दिया था कि बेटा आप थोड़ा रिकॉर्ड कर लो कि हम खेल रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं बैडमिंटन खेल रही थी, इसीलिए स्किल्स थोड़े से गड़बड़ आ गए थे, बट थोड़ी कोशिश के बाद खेल ठीक ठाक हो ही गया था। पहले बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, बहुत साल हो गए खेल के बैडमिंटन, तो वापस थोड़ा शुरू करके मज़ा भी बहुत आया, और धीरे धीरे फिर हमने कर ही लिया। और बेचारा वो शूटिंग कर रहा था उसका फ्रेंड, और बीच में तो कैमरा ऑन करना ही भूल गया था, बट खैर बाद में हमने अच्छे से खेला। और अराउंड मैंने 40-45 मिनट्स बैडमिंटन खेला, और आई थिंक मैंने स्टेपर्स पे देखा था तो अराउंड 5000 समथिंग स्टेप्स हुए थे, 5150 स्टेप्स हुए थे। तो ये है डे थ्री। डे थ्री को मैंने जिम किया था, और आज मैंने अराउंड 2 किलोमीटर के ऊपर वॉक किया है। सो आप देख सकते हो मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ पे, और अभी शुरू ही किया है वॉकिंग, 5 मिनट हो गए, और धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, वार्म अप करती हूँ 3 के स्पीड पे, और फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाती हूँ 5.5 तक। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे में, और मैंने आप देख सकते हैं इसके एक्चुअली वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं पूछ रही थी इसमें कि क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है या नहीं, मतलब वेट में इतना मेरा डिफरेंस नहीं आया, पर जैसे मेजरमेंट्स में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फ़र्क आ रहा है, जैसे हाथ थोड़े से पतले हो गए, शोल्डर्स थोड़े से पतले हो गए, और वैसे इंचेस में थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लग रहा है, कुर्तीज़ मेरे बेटर मुझे फिट हो रहे हैं, तो यही सब मैं बोल रही थी एक्चुअली। वो वॉइस पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ था यहाँ पे, तो बहुत गर्मी हो गई थी जब पूरा मेरा वॉकिंग ख़त्म हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो गई थी मैं। सो आज मैंने अराउंड 30 मिनट्स वॉक किया था, और 2.24 किलोमीटर्स का वॉकिंग किया था।
सो ये मेरा आज का वॉकिंग है और अराउंड 111 कैलोरीज मैंने बर्न की है आज के। ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये मेरा कूल डाउन था, तो मैं जैसे वॉक करती हूँ 5.56 तक पहुँच गई थी मैं आज, और फिर धीरे धीरे मैं वापस 3 पे आती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने इवनिंग में वॉक किया था जैसे आपने देखा, और मैंने अराउंड 2 किलोमीटर्स वॉक किया है फॉर 33 मिनट्स, थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए अभी यहाँ पे खुली हवा में बैठूंगी। समहाउ ना मुझे वॉकिंग ऐसे ट्रेडमिल में करना बेटर लग रहा है, कंस्ट्रक्टिव लग रहा है अच्छे से। सो मैं भी ट्रेडमिल पे ट्राई कर रही हूँ करने के लिए। बहुत अंधेरा हो गया, आई थिंक आई शुड गो बैक होम। 7:30 हो गए इवनिंग के। फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ घर, गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, आई होप वीक 2 का वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही एक बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अमृता अमृता ऑफिशियल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।